Hello everyone and welcome back to hashtag the social kickoff show. मैं हूँ वरदान और यह है एपिसोड नंबर 7 यानी कि एपिसोड नंबर 7 और आज के एपिसोड में वी हैव ऋषा सुंदरियाल विथ अस फ्रॉम संस्कृति विथ अ जेड राइट संस्कृति वेलकम ऋषा हाउ आर यू थैंक यू सर आई एम फाइन आप बताइए सब बढ़िया और बताओ ऋषा एक्चुअली आज जैसा आपको पता होगा आज आप यहाँ पे इनवाइटेड हो हम लोग क्या कर रहे हैं इस शो के जरिए राइट देहरादून में यहाँ पे जो लोग हैं और जितने भी हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना काम खुद शुरू किया हुआ है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ जॉब राइट तो आप डिज़ाइनर हो ठीक है एवरीबॉडी शुड नो दैट ऋषा इज अ डिज़ाइनर तो फैशन डिज़ाइनर तो ये डिज़ाइनर जो आप बनी उसकी जो जर्नी है वेयर डिड इट स्टार्टेड देखिए जो फैशन डिज़ाइनर बनने की जो प्रोफेशनल जर्नी है वो अभी सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट हुई है लेकिन अगर आप मैं अंदर से बात करूँ एक डिज़ाइनर बनने की तो वो शायद मेरे पैदा होने से ही स्टार्ट हो चुकी थी कि एक अंदर जो क्रिएटिविटीज़ मेरे अंदर थी वो निकलनी शुरू हो गई थी मतलब अर्ली एज में लाइक छोटे छोटे कॉम्पिटिशन छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्जर्व करना घर में जो कपड़े होते हैं उनको खुद ही काट करके फिर पिटाइयाँ भी हुई है बट हाँ किया है शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मतलब आप बचपन से ही डिज़ाइनर थी और बाद में फिर प्रोफेशनली बाहर आना एक दुनिया के सामने वो 2 साल से यू आर रनिंग योर ओन बुटीक माय ओन मेरे ख्याल से आपकी एक बुटीक ऑलरेडी देहरादून में थी जिसका नाम था उसका डिज़ायर बुटीक राइट एंड उसको फिर आपने अभी रीब्रांड किया है अभी मैंने उसको रीब्रांड किया है संस्कृति के नाम से राइट हाँ अभी उस पर वर्क चल रहा है वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है तो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है सो उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या बताएंगे संस्कृति बेसिकली मेरा एक थॉट था जो मतलब मैं बहुत पहले से इस बारे में सोच रही थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो डिज़ाइनर्स हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में जो डिज़ाइंस हैं जो एथनिक वेयर्स हैं जो हमारे इंडियन स्टाइल्स हैं उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीज़ लेके आना दुनिया के सामने और एक लेवल के अंदर लेके आना एक बहुत रीजनेबल प्राइस में ताकि हम लोग जो आम जनता है जो मोस्टली ऑब्वियसली हर लड़की चाहती है कि डिज़ाइनर कपड़े पहने हम मैं भी एक लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मेरा ध्यान सबसे पहले एक अच्छी चीज़ पे जाता है क्रिएटिव चीज़ पे जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए बट हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर किसी के बस के नहीं होता कि वो डिज़ाइनर फैब्रिक मतलब या डिज़ाइनर चीज़ें अफोर्ड कर पाए तो मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाना चाह रही थी कि जिसमें डिज़ाइनर चीज़ें आए लेकिन एक बजट के अंदर तो संस्कृति जब आपने शुरू किया लाइक ठीक है बचपन से जैसे आपने बताया कि डिज़ाइनर हो आप और जब शुरू किया तो क्या क्या दिक्कतें आई आपको सफ़र बहुत किया है बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए पहले मैं इससे पहले जॉब करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे संस्कृति या मतलब एक डिज़ाइनिंग फील्ड में आना था और मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं फाइनेंशियली चीज़ों को करूँगी नहीं मुझे स्टार्ट करना है एंड मुझे मतलब एकदम से ही चीज़ें हो जाएंगी तो उसके लिए मुझे पहले खुद मेहनत करनी थी और उसके लिए मैं पैसा इकट्ठा करना था फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना था ताकि चीज़ें थोड़ी बहुत स्टार्ट कर सकूं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किया है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक सिटी से दूसरी सिटी में आना फिर स्टडीज़ और हर चीज़ें साथ में देखना अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना अपनी जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा करना फिर अपने सपने को भी पूरा करने के लिए एक कोशिश करना तो वो बहुत मुश्किल रहा है लेकिन मतलब बोलते हैं ना आपको एक्सपीरियंस आपको परफेक्ट कर देता है चीज़ों के लिए तो हाँ अभी मतलब इतना है कि बहुत जगह फेल हुई हूँ बिजनेस के अंदर लेकिन वो मुझे अब इतना मजबूत कर चुका है अंदर से कि मुझे अब लगता है कि मैं अगर कहीं पे भी अब स्टार्ट करती हूँ अपने काम को जो संस्कृति जो स्पेशली तो अब एक डर नहीं है अंदर से कि अगर फेल हो जाऊंगी बिकॉज आई नो दैट कि वो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है हाँ बस वो चीज निकल चुकी है सफर करने नहीं है अब फेल हो जाऊं कुछ हो जाए मुझे पता है क्या करना है फिर से फेल होंगी फिर से राइज अप होंगी मैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी है या जो आपके डिज़ाइंस हैं या जो आपके स्टाइल्स हैं या जो संस्कृति का स्टाइल है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे संस्कृति बेसिकली एथनिक डिज़ाइंस के ऊपर है एथनिक ड्रेसेस जो होती हैं हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर थोड़ा मिक्सचर होता है इंडियन कल्चर का और वेस्टर्न कल्चर का तो
तो संस्कृति बेसिकली थोड़ा सा कैसे मैं डिफाइन करूँ आपको वो सब चीज़ें, मतलब बस क्रिएटिविटी है. किस किस्म की क्रिएटिविटी है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा मिक्सचर जो मैं आपको कह रही हूँ कि वेस्टर्न और इंडियन का मिक्सचर ऐसा लेके आना जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है थोड़ा सा. So you're working on that. हाँ, और थोड़ा सा जो वो कल्चर होते हैं इंडिया के अंदर रेयर कल्चर्स हैं, लाइक आप राजस्थान चले जाओ वहाँ पे इतनी क्रिएटिव चीज़ें, वहाँ पे उन लोगों का जो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल होता है, और बंगाल आप चले जाओ, आप ऑब्वियसली हमारे गढ़वाल साइड में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया के सामने अभी नहीं आई है फैशन इंडस्ट्रीज में. तो वो मैं संस्कृति के थ्रू थोड़ा मिक्सचर करके सारा फ्यूजन लेकर के वेस्टर्न उठा के अलग अलग रीजन से या रीजनल ड्रेसेस करके वो थोड़ा मिक्सचर करके फिर एक चीज बनाना. और जहां तक हम जानते हैं यहां पे आपका एक ब्राइडल कॉन्सेप्ट भी कुछ आने वाला. ब्राइडल कॉन्सेप्ट, यस, उसके बारे में काफी टाइम से मैं सोची थी. हमारे इंडिया में जैसे कि मतलब होता ही है शादी को लेकर बहुत एक्साइटमेंट, हर चीज मतलब बहुत एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है. तो वहां पे मेरा एक आने वाला है कॉन्सेप्ट, दैट इज सगाई से शादी तक. उसमें क्या है कि सगाई से लेकर शादी तक का जितना भी ब्राइडल का जो भी ड्रेसेस होती हैं, चाहे वो मेहंदी हो, आपके संगीत सेरेमनीज की ड्रेसेस हो, आपके कोई से भी ड्रेसेस होती हैं, उन सब का पैकेज आपको पूरा बिल्कुल दिया जाता है ब्राइडल के लिए, अगर मतलब वो इंटरेस्टेड हैं. और उसमें सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं, उसको पूरा लुक एक देना. okay. आप कह सकते हैं सिर्फ ब्राइडल के लिए है या उनकी सिस्टर्स और सहेलियों के लिए भी? ये सबके लिए है, ये मतलब जितने भी उसके ब्राइड मेड्स होती हैं उनके लिए है, सिस्टर्स, मदर, जिनके लिए भी है. इवन गिफ्ट जो होते हैं वो भी हम लोग वहाँ पे मतलब संस्कृति के अंदर एक नया उस कॉन्सेप्ट के अंदर आने वाला कि गिफ्ट्स भी हम लोग मतलब वहाँ पे आपको क्रिएटिव चीजें देंगे उसके अंदर. ओके, तो हम सगाई से शादी तक का पूरा सीख, सगाई से शादी तक पूरा कंप्लीट पैकेज है घर वालों के लिए, पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट पैकेज के साथ. संस्कृति जल्दी ही आएंगे उसके साथ में, राइट? और जब आएंगे तो हमें पता चल जाएगा. आई होप जल्दी आ जाए. जल्दी आ जाएगा, वी आर श्योर. सो ऋषा, आप एक और चीज़ बताइए कि ये इतने टाइम सब कर रहे हो, आपने बताया आप काफ़ी फेल हुए हो, फिर एवरी टाइम यू गॉट मोटिवेटेड और फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने लर्न किया, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड और सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है? इस पूरी जर्नी में एक इंसिडेंट हुआ था जब मैंने We love incidents. आगे बताएं. 12th कंप्लीट करने के बाद में obviously मैं एक प्रोफेशनल डिग्री करना चाहती थी, और जो मैं अभी तक प्रोफेशनली नहीं हूँ, डिग्री कोई होल्ड करके नहीं बैठी हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं प्रिपरेशन करने के लिए जब कर रही थी, और मैं NIFD करने वाली थी नागपुर से. अच्छा. और मैं नागपुर ट्रांसफ़र हो चुकी थी अपनी सिटी से, आई एम बेसिकली फ्रॉम गोपेश्वर चमोली. तो वहाँ से एक बड़ी सिटी में ट्रांसफ़र होना, और 6 महीने का ड्यूरेशन था. एक्चुअली वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन था जिसके अंदर जो कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जो अपने लिए मतलब वहाँ पे एक अपने असिस्टेंट डायरेक्ट डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनको चूज़ करते हैं, यानी एक आपको एक तरीके से इंटर्नशिप देते हैं कि अगर आप काम सीखना चाहते हो तो आपको 1 महीने की समर वेकेशन क्लासेस आपको देते हैं ये सो. लेकिन उसके लिए भी आपको एक क्रिएटिविटी टेस्ट देना पड़ता है कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप वो चीज़ कर सकते हो या नहीं. तो वो मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें सिर्फ स्केचेस आपको देने थे क्रिएटिविटीज़ के ऊपर कि आप कोई डिज़ाइन बना पाते हो नहीं बना पाते. तो मैंने वो दिए थे वहाँ पे और वो सिलेक्ट हो गए थे. तो मैं 1 महीने के लिए नागपुर पहले तो उस ड्यूरेशन पीरियड में थी कि वहाँ पे मैं सीख रही थी. एक डिज़ाइनर है वहाँ पे, शशि यादव, वो वहाँ पे काफ़ी फेमस डिज़ाइनर है नागपुर के. हाँ, वो मेरी मेंटोर थी उस टाइम पे, और उनसे मैंने 1 महीने पहले काम सीखा. उनको मेरा काम बहुत अच्छा, बिकॉज मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो उनको बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे अपने पास 2-3 महीने और एक्सटेंड करके रोक लिया था कि आप कोई बात नहीं, आपको NIFD भी करना, आप यहीं से करो और मेरे पास काम भी सीखते रहो, तो आपको वर्क में मतलब ज़्यादा फायदा एक्सपीरियंस होगा. और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो एक्चुअली इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती थी चीज़ें, इंपोर्ट करती थी. तो मतलब उसमें ये था कि उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि कोई भी चीज़ डिग्री से नहीं होती है जब तक आपके अंदर चीज़ नहीं हो. तो
उन्होंने भी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं लिया था, उन्होंने भी स्टार्टिंग तो आई सेड कि मतलब क्या, मतलब क्यों आपने, मतलब कैसे शुरू किया, क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके अंदर खुद से वो लोगों से ऑब्जर्व करती थी कि मतलब कैसे क्या चीज़ करनी, इवन उन्होंने स्टिचिंग तक खुद नहीं सीखी थी पर उनको सब कुछ आता था। तो आप बताओ रेशा कि आप जो देहरादून में जो दूसरी लड़कियां जो एक्चुअली खुद का कुछ करना चाहती हैं, खुद के डिज़ाइन भी बनाना चाहती हैं, एक्चुअली वर्क करना चाहती हैं इस फील्ड में, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? देखिए इस फील्ड में सजेशन सिर्फ ये है कि क्रिएटिविटी, आप जितना क्रिएटिविटी अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हो, जो भी आपके अंदर है वो बाहर निकालो, वो दिखाओ और एक पैशन के साथ उस चीज़ को बाहर निकालना, बस मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ उनके लिए। और चीज़ें जब, और मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में जो जितनी भी लड़कियां हैं, स्पेशली टीनेजर जो यंग है, जो मेरी एज की गर्ल्स हैं, तो उनको फैशन का सब कुछ पता होता है, एवरीबडी नो कि क्या चीज़ कहाँ से लेनी है, किस में क्या क्रिएटिविटी हो सकती है। तो हाँ, बस थोड़ा सा खुद के अंदर और फोकस करने की ज़रूरत, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप थोड़ा बहुत घर से ही क्रिएटिविटी, आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, मतलब हर चीज़ के, आप खाली मत बैठो। अगर आप बैठे हुए हो, आपके पास कोई मार्केट से भी अगर आप कोई कपड़ा ले रहे हो तो उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ, कुछ अलग पहनो, कुछ अलग तरीके से उस चीज़ को पेश करो, ताकि वो आपको हेल्प करती है। उनके लिए क्या बताएंगे जो लोग कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ अजीब कर जाते हैं? देखिए वो उसके लिए नो कमेंट्स, बिकॉज हर किसी को अपना फैशन, सबको पसंद होता है कि अगर कोई कर रहा है कि हाँ नहीं वो मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैंने, मेरा हमेशा से हाँ मेरा सबके लिए सजेशन यही होता है कि आप वो मत पहनो जो आप पहनना चाहते हो, आप हमेशा वो पहनो जो आपके ऊपर अच्छा लगे, एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर लेके आता है। आप फॉर एग्जांपल आपने कभी भी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहना, एक लड़की ने, और वो सडनली स्टार्ट करती ही वॉन्ट कि हाँ मैं वेस्टर्न ड्रेस पर, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पहन सकती या वो पहनेगी तो बुरी लगेगी, बट अपना टेस्ट समझो कि मतलब आपके ऊपर चीजें कैसी, वेस्टर्न ड्रेस पहनो लेकिन कैसी पहननी है वो आपके ऊपर है, मतलब आपकी जो इच्छा है वो मत पहनो, जो आपके ऊपर अच्छा लगता है वो चीज आप करो तो ज्यादा बेटर मेरे अकॉर्डिंग लगता है। आप खुल, आपकी पर्सनालिटी खुल के दिखती है फिर उन चीजों में। एक तो कम्फर्ट जोन, कपड़ों में सबसे पहले होता है कम्फर्ट जोन, कि आप उन कपड़ों में कितना कम्फर्ट हो, सबसे मेन वो चीज रखता है। और दूसरी चीज ये होती है कि आप कुछ नया ट्राई करो, हमेशा करना चाहिए ऑब्वियसली, हमेशा मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि हमेशा एक जैसा लुक, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर 6 महीने में, मैं खुद पर्सनल भी हर 6 महीने में अपना लुक चेंज करने की कोशिश करती होती हूँ कुछ अलग, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी कि उसको देख करके इंस्पायर हो गया, अच्छा उसने ये किया तो मैं भी ये कर लूँगी, नहीं, जो चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही है और एक डिसेंसी, मुझे लगता है हर चीज़ में एक डिसेंसी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है रिशा, इसके बाद में हमारे पास बहुत जल्दी से रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड है रिशा के लिए। रैपिड फायर के अंदर में आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है, आपको स्पॉन्टेनियसली, लाइक आपको स्पॉन्टेनियसली आंसर करना है बिना सोचे हुए, जो चीज़ आपके दिमाग में आएगी उस मोमेंट पे आपको सीधा वो बोल देना। ओके फाइन, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम चल रहे हैं आपके रैपिड फायर क्वेश्चंस पे। अगर आप डिज़ाइनर नहीं होती तो क्या होती? प्रोफेसर ओके, किस चीज़ की? मेरे को योगा में बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे को योगा के अंदर चीज़ें एक तरीके से पता है, तो एक तरीके से मैं उसके अंदर ही चीज़ें मतलब करना चाहती थी प्रोफेशनली, मतलब अगर ये नहीं होता तो शायद मैं उस फील्ड में होती। आपको दूसरे डिजाइनर से यूनिक क्या बनाता है? मेरी क्रिएटिविटी। आपको यू नो लाइक आप अपने लिए काम करते हो और आपका ड्रीम क्लाइंट कौन है उसमें? मेरा ड्रीम क्लाइंट उसमें देयर इज नो वन, जो मेरा ड्रीम क्लाइंट है, आई वांट टू डिजाइन फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, लाइक नॉर्मल, जैसा आपने बताया था कि नॉर्मल लोगों के लिए आप अफोर्डेबल प्राइस में डिजाइनर क्लोथ्स लाना चाहते हो। हां जी, तो ऐसा कोई ड्रीम क्लाइंट नहीं है। ओके, और डिजाइनिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते हो? डिज़ाइनिंग के टाइम पे क्या, मेरा काम जितना भी उस टाइम पे होता है मैं पूरा ही इंजॉय करती हूँ। द बेस्ट पार्ट इज स्टिचिंग। स्टिचिंग, स्टिचिंग में क्या मजा आता है? बैठे रहो, मशीन चलाते रहो, गड़ 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 रहो, अपने अपना अपना मजा है भाई उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब एक्चुअली जब भी आप डिजाइन, जब आप स्टिच करते होते हो ना,
तो उस टाइम पे दिमाग में थॉट्स जो आते होते हैं मेरे को, उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि इस डिज़ाइन में अच्छा ये स्टिचिंग ऐसे हो रही है तो इसमें कुछ और भी हो सकता है एडॉन, तो मेरे को दिमाग उस टाइम पे बहुत ओपन होता है, तो मैं फोकस सबसे ज़्यादा मैं रहती हूँ तो उसी टाइम पर। तो अच्छा ये एक क्वेश्चन पे लीड करता है, अच्छा कभी ऐसा किया है कि मतलब सिलाई करते करते कुर्ती बना रही हूँ, सिलाई करते करते अचानक से इनोवेशन बन गई कि मैं इसको तो टॉप बना सकती हूँ, तो पूरी कुर्ती नाश कर दी और फिर उसका टॉप बन गया? नहीं, ऑब्वियसली क्लाइंट के साथ तो नहीं करती हूँ, क्लाइंट अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसके लिए कोई कुर्ती बना के दूँ और मैं उसको कुछ और बना के दे दूँगी तो वो हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, लाइक डिज़ाइंस के अंदर होता है, अगर मैं डिपेंड करता है मैं क्या बना रहा हूँ, right. तो मैं जब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल के कुर्ती ही बना रही हूँ तो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, right. जो मोस्टली उस टाइम पे मुझे याद नहीं आते हैं जब मैं कर रही होती हूँ कटिंग्स या और चीज़ें भी, या जब मैं क्लाइंट को समझा रही होती हूँ कि आपको इसको ऐसे पहनना चाहिए, मुझे मोस्टली तब आइडियाज आता है जब मैं उसको बना रही होती हूँ, जब मैं स्टिच कर रही होती हूँ तो तब मेरे दिमाग में और चीज़ें आती हैं, और मेरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे उस टाइम पे यही लगती है कि ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि एक चीज़ होती है हमारे अंदर, एक बार आपने अगर कटिंग कर दी उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि आपकी कटिंग हो चुकी है, आप उसके बाद कपड़े को दोबारा नॉर्मल नहीं बना सकते, तो मेरी सबसे अच्छी चीज़ उस टाइम पे यही होती है कि मैं स्टिचिंग के टाइम पे चेंजेस बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता है, okay. तो वो बहुत अच्छा पार्ट हो जाता है। सो नाउ ऋषा, हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि वो संस्कृति से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और go ahead and give them a message. Okay, संस्कृति की अब वेबसाइट आने वाली है www.sanskriti.com. I hope वो जल्दी से मतलब मार्केट में आ जाए, और मुझसे कनेक्ट करने के लिए आपको फेसबुक पे मेरा एक पेज है संस्कृति.com के नाम से, और वहाँ पे आप जा करके मेरे डिज़ाइंस देख सकते हो, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे एड्रेस आपको सारे डिटेलिंग वहाँ पे मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, और बहुत जल्दी आपको वेबसाइट के थ्रू भी मतलब कनेक्ट होने का मौका मिल जाएगा। Thank you. Thank you so much, Risha. Thank you so much. Sure, yes, and our pleasure. आप यहाँ पे आई, आपने इतना कुछ शेयर किया हमारे साथ में, और probably जल्दी ही देहरादून के अंदर में लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, और संस्कृति जो ट्रेंड लेके आना चाहती है मार्केट में वो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ हिट, वी ऑलरेडी नो दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, और आप लोग यू कैन कनेक्ट विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और आप हमारे कनेक्ट हो सकते हो www.orbosyscorp.com हमारी वेबसाइट है, orbosyscorp, और हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो सोशल मीडिया चैनल्स पे, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, @orbosyscorp, एंड हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, हैव अ नाइस डे, बाय।